मॉर्निंग क्लास थ्री के बच्चों, आज मैं आप लोगों को आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक से पिछले क्लास में जो मैंने एक्सरसाइज 21 सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी बताई थी, आज मैं आपको उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को बता रहा हूँ। देखिए यह क्वेश्चन आंसर, यहाँ देखिए यह प्रश्न है। अब मैं आपको इसके उत्तर को बताता हूँ। इसके उत्तर का आप लोग स्क्रीन शॉट कर लें ताकि आपके पास यह उत्तर अस्थायी रूप से हो जाए। इसका स्क्रीनशॉट कर लें, कर लिया होगा आपने इसका स्क्रीनशॉट। अब मैं आपको उत्तर बताता हूं। राजा हरिश्चंद्र क्यों प्रसिद्ध हैं? तो राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्यवादिता के लिए प्रसिद्ध हैं। दूसरा प्रश्न है, गुरु विश्वामित्र ने राजा की परीक्षा लेने के लिए क्या किया? इसका आंसर है, गुरु विश्वामित्र ने राजा की परीक्षा लेने के लिए अपने तपोबल से एक सपना दिखाया। बस इसके बाद है, राजा प्रजा के लिए क्या चाहते थे? देखिए राजा प्रजा के लिए क्या चाहते थे, तो राजा का काम ही है प्रजा की उचित देखभाल करना और उसे उसकी समस्याओं से आज़ाद रखना, जो राजा चाहते थे। उसके बाद चौथा प्रश्न है, विश्वामित्र ने दरबारियों से कहा, पहले तो राजा ने हमें पूरा राजदान में दे दिया, अब कहते हैं हमें कुछ समझा ही नहीं। उसके बाद है, गुरु दक्षिणा कैसे चुकाई? तो राजा ने अपना सब कुछ दान करके और स्वयं को डोम के हाथ बेचकर गुरु दक्षिणा चुकाई। फिर उसके बाद है, राजा क्या काम करने लगे? तो राजा डोम के हुक्म की गुलामी कर शमशान घाट पर लाश को जलाने का काम करने लगे। उसके बाद रोहितास्तु की मृत्यु कैसे हुई? तो सांप के डस लेने के कारण रोहितास्तु की मृत्यु हुई। उसके बाद है, विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को क्या आशीर्वाद दिया? विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को आशीर्वाद देते हुए यह कहा, तुम्हारी यह कृति युगों युगों तक अमर रहेगी। और इस तरह से आपके सारे प्रश्न उत्तर हो गए। अब मैं आपको दूसरे दिन इसी किताब के और भी बचे प्रश्नों के समस्याओं को बताऊंगा।